राजगढ़ जिले के ग्राम भीलखेड़ी जुड़ पर संचालित आजाद भगत सिंह विद्या मंदिर में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री जगदीश प्रसाद देशवाली व संकुल प्राचार्य कमल प्रजापति लक्ष्मी नारायण मीणा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार द्वारा पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रस्तुतियां भी दी गई। इस दौरान कक्षा 6 व 7 के छात्र छात्राओं द्वारा अपने कक्षा 8 के सीनियर छात्र छात्राओं को गिफ्ट व टाइटल भेंट कर विदाई दी गई। इस मौके पर संचालक डॉक्टर दिनेश प्रजापति, प्राचार्य हेमंत पुष्पद, रमेश शर्मा, सुरेश सेन, संरचना कुशवाहा, प्रियंका धर्मेला, हिना शर्मा, पूजा वर्मा, ममता मीना, अंजलि सोनी, मल्लिका शिशगर, उमा यादव, राधा शर्मा सहित बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं मौजूद थी। मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। जब मुझे मालूम पड़ा जिन साथियों जिस बहन का
गर्मी में बचते हैं उनका आज मनाया जा रहा है। बहुत बहुत हमारा जन्म रोज होता है, प्रतिदिन होता है। जैसे ही हम अपने बिस्तर से उठते हैं जैसे उस दिन हम नए दिन को प्राप्त करते हैं, उस दिन भी हमारा जन्म प्रतिदिन होता है। व्यक्ति को जीवन में हमेशा सचेत रहना चाहिए। व्यक्ति रोज बनता है और रोज जन्म लेता है। जब हम सोते हैं तो मरे हुए के समान होते हैं, और जब हम उठते हैं तो हमारा पुनर्जन्म होता है और एक नया सवेरा भी बनता है और काम करने के लिए हमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, आठवीं के बच्चों से मैं ये कहूंगा आज के दिन कि आपकी विदाई आजाद भगत सिंह विद्यालय से आज हो चुकी है। आप दोबारा आठवीं क्लास में मत आ जाना। क्या आज जो भी हमारे मित्र उपस्थित है, माननीय श्री एनसी कुशवा जी, महेंद्र सिंह सेन जी, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हेमंत भगत जी, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और पूर्व सरपंच साहब जी मिन्ना साहब, समस्त स्टाफ, चारे बच्चे, मैं पंक्ति के माध्यम से सभी को स्वागत करना चाहूंगा कि जो आसमान में नजर आते हैं सितारे, सब अतिथियों के आने से हो गए हमारे मारे न्यारे, सभी यहाँ पर पधारे, तो हमें ऐसा लगा जैसा सुबह में मेरा संगस्त पधारे। आप सभी ही यहाँ पर पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चों को भूख लगी है, ज्यादा समय बच्चे मदद की व्यवस्था भी हमने